अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम एक शीट लेंगे, A4 साइज़ की शीट ले लें या कोई सी भी शीट, और उसको हम इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि 4 साइड्स इक्वल हो जाएं उसकी। तो हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे सबसे पहले, और इस एरिया को हम रिमूव कर देंगे। आप इसको कट कर लें या जिस तरह भी आप सीज़र से काट लें या स्केल से काट लें। तो मैं यहाँ पे सीज़र से इसको कट कर रही हूँ, और इसको इस तरह से आप कटिंग कर लें इसकी। इसके बाद इस एरिया को रिमूव करने के बाद हम इस एरिया को लेंगे जिससे हमें अपना एक सोफ़ा रेडी करना है, एक पेपर सोफ़ा जो हमने रेडी करना है। हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। बोथ साइड्स इसको फोल्ड करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें इसका सेंटर पॉइंट जो है वो हमें पता चल जाए कि पेपर का एक सेंटर पॉइंट क्या है। एंड नाउ अब हम इसके सेंटर पॉइंट पे इसकी 4 एजेस को, जो इसके चारों एजेस है, उसको हम इस तरह से रखेंगे इसके सेंटर पे। इनको फोल्ड करेंगे चारों तरफ से, इनके एजेस को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और अब बाकी के भी जो 2 हैं हम इनको भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे, और सेंटर पॉइंट पे हम इसको रखते हुए इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ठीक हो गया। इसको भी हम लास्ट वाले को भी इसी तरह से फोल्ड करके इसको फोल्ड कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से इसके चारों साइड्स को करने के बाद हमें सिर्फ 2 साइड्स ओपन करनी है इसकी। इस साइड को, फ्रंट वाली साइड को, अब हमने सेंटर वाली, इसकी जो हमने लाइन में फोल्ड किया था, उसकी मिड पॉइंट से मिलाएंगे, बिल्कुल उसकी मिड पे रख के, और इसको भी यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। ठीक हो गया। और इसी तरह हम दूसरे वाली, उसी के जो ऑपोजिट साइड है, उस पर भी हम उसी के मिड पॉइंट पे रखेंगे, उसी लाइन के मिड पॉइंट पे, और उसको भी वहाँ से फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे, और जो हमने पहला फोल्ड किया वो हमारी पेपर की जो सेंटर पॉइंट था, हम उसको अपने पेपर के सेंटर पॉइंट पे इसको रखेंगे, और इसको अच्छी तरह से हम यहाँ से भी फोल्ड कर लेंगे। ठीक हो गया। अब इसी तरह हम दूसरे वाले को भी वहीं से उठाएंगे, और उसको अब सेंटर में लेके आएंगे जो हमारा पेपर का मिड पॉइंट था, मतलब जो मिडिल एरिया जो हमने पॉइंट बनाया था वो था। अब इसे अच्छी तरह से करने के बाद हमने एक और बार इसको उसी के सेंटर पॉइंट में रखते हुए एक और फोल्ड करनी है, एक और फोल्ड देंगे पेपर को उसी के सेंटर पॉइंट पे रख, पेपर के सेंटर पॉइंट पे रखते हुए हम एक और फोल्ड देंगे। इसी तरह अब हम दूसरी साइड से भी करेंगे, और इसको हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से। ठीक हो गया। इसको भी हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब जब हम इसे फोल्ड करेंगे, ओपन करेंगे, तो अब बारी आ जाती है हमारे अप साइड्स की, जो हम लोगों ने हमारे ऊपर वाले एरिए थे इस साइड को। इसको भी सबसे पहले हमने उसके मिड पॉइंट पे रख के इसको फोल्ड करना है, और उसके बाद दूसरे जो उसके ऑपोजिट है उसको भी हमने उसी के तरह से रख के, तो बैलेंस करते हुए इसको हमने फोल्ड कर देना है। अब जो उसको फोल्डिंग पॉइंट है उसको लेना है, और इसकी जो कॉर्नर बन रहा है हमने यहाँ तक, बस वहीं तक रख कर उसको फोल्ड कर देना है। जहाँ पे उसका एंडिंग पॉइंट उसके एरो का बन रहा है, इस फोल्डिंग का, हमने उसको फोल्ड उसके एंडिंग पॉइंट तक बस करना है, फोल्ड इससे ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है। हमने इसको प्रेस अच्छी तरह करना है, आपकी जितनी भी लाइंस आप बना रहे हैं उनको आपने अच्छी तरह प्रेस करना है। अब हमने इसको ओपन कर लिया सिर्फ बोथ साइड्स को। अब जो हमने ये ऑलरेडी हमने ये एक फोल्डिंग दी थी, पहली फोल्डिंग दी थी, उसको एक दफ़ा कर्व की तरह उठा लें, ऊपर कर लें, और अब हम इसको स्लाइटली, ये देखिएगा मैं किस तरह से इसको बंद कर रही हूँ, दोनों एजेस को मिलाकर उसको फिर दबा रही हूँ, और अब इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ, और फोल्ड करते हुए मैंने अच्छी तरह से इसको प्रेस किया है ऊपर से भी ताकि ये खड़ा हो जाए। अब दूसरा वाला मैं लूँगी इसी तरह से, उसकी भी दोनों एजेस को मिलाऊँगी, और उसकी ये इस तरह से मैं इसको भी प्रेस करूँगी, फोल्ड करूँगी, प्रेस करूँगी, और मेरा ये बॉक्स का जो मैंने सोफ़ा बनाना है उसकी बेस जो है वो रेडी हो जाएगी, एक हिस्सा उसका रेडी हो जाएगा। इसी तरह मैं एक और बना लूँगी, वो बेशक आप येलो कलर में बना लें या सेम कलर में बना लें या जिस भी कलर में बना लें।
अब मैं इसको इसके अंदर डाल दूंगी। आप येलो को ब्लू में डाल सकते हैं, ब्लू को येलो में डाल सकते हैं, या दोनों सेम कलर्स के भी हो सकते हैं। आप इन दोनों को एक दूसरे के अंदर इस तरीके से आप इसको डाल लें, और ध्यान रखें कि चार्ट पेपर आपका अंदर से फोल्ड नहीं हो। बहुत एहतियात से डाल लें इसको, हम ईजीली अंदर डाल लेंगे। और इसको फिर हम इस तरह से बैलेंस करते हुए इसको निकाल लेंगे। ठीक हो गया, ये हमारा बैलेंस हो गया। अगर अंदर से थोड़ा सा ख़राब हो भी रहा, उसको आप फिंगर के ज़रिए उसको आप ठीक करके तो बैलेंस कर लें। ये हो गया हमारा सोफे की बेस। अब हम जो है अपने एक और चार्ट पेपर लेंगे। उस चार्ट पेपर को हम सोफे को इस तरह से चार्ट पेपर को हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हमने सोफ़े की साइड्स बनानी है, तो हम इसको अपने सीज़र की मदद से इसको कट कर लेते हैं। कट करके हम मेजरमेंट इसकी सोफ़े के साथ रख के देख लेंगे कि कितनी उसकी साइड्स, कितना एरिया चाहिए उसको। हम इसको पेंसिल से निशान लगा लेते हैं, और अब हम जितना एरिया हमें नहीं चाहिए हम उसको सीज़र से रिमूव कर देते हैं। इस तरह से हमने बोथ साइड्स इतना पेपर लेना है जितनी उसकी सोफ़े की साइड्स की विड्थ है, हमने उसको उतना ही पेपर लेना है जितनी सोफ़े की साइड्स की विड्थ है। हमने उतना इसका पेपर लिया और हमने सोफ़े की साइड्स ले ली। अब हमने क्या करना है कि हमने इन दोनों को लेना है और इनको हमने फोल्ड करना है। अब देख रहे हैं हम क्या दोनों की विड्थ एक साथ, हमने इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए हमने इसको सोफ़े की साइड्स पे इसको डाल देना है, इस तरीके से कि हमने इसको सोफ़े की साइड्स पे हमने डाल दिया है। ठीक हो गया, दोनों तरफ से हमने इसी तरह करना है। हमने सोफ़े की साइड्स पे डाल दिया। आप अपनी फिंगर के ज़रिए इसको सेट भी कर सकते हैं। मैं भी आपको करना है, इसको सेट करना बताती हूँ कि हम इसकी सोफ़े की साइड्स को कैसे सेट करेंगे। अब हम इसको इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक हो गया, अब हम इसको हल्का सा ऊपर से प्रेस करेंगे। चाहे तो आप अपनी एक फिंगर अंदर डाल के तो इसको ऊपर से प्रेस करें, ताकि इसको थोड़ा सा इसमें वॉल्यूम आ जाए साइड्स में। ठीक हो गया, अब हम अपने सोफ़े की बेस बनाएंगे। ये हमारा रेडी हो गया। अब हम अपने सोफ़े की बैक साइड बनाएंगे। वो आप कोई से भी कलर की बना सकते हैं। मैंने इसके लिए मैचिंग के लिए मैंने येलो बनाई है, कि जो मैं सोफ़े की बैक बनाऊंगी वो मैं येलो बनाऊंगी। वो भी हम उसके अकॉर्डिंग जितने हमारी सोफ़े की लेंथ है, हम उसके अकॉर्डिंग पेंसिल से निशान लगा के उसको कट कर लेंगे। हर चीज़ आप अपने सोफ़े की साइज़ के लिहाज से आप उसको पेंसिल से मार्क करें और उसको कट कर लें। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि इसको फोल्ड कर लेते हैं सबसे पहले, ताकि हमारी बोथ साइड्स इक्वली सोफ़े का डिज़ाइन हमारा थोड़ा अच्छा आ जाए। अब मैं पेंसिल से एक हल्का सा सोफ़े की बैक को हल्का सा डिज़ाइन दूंगी। आप कोई सा शेप दे दें, चाहे आप स्ट्रेट रख लें, चाहे आप पूरा ओवल शेप दे दें, या जो सी भी साइड दें। मैंने एक थोड़े से दो कर्व्स दिए हैं, आप देखिएगा। मैंने रफली सा इस पर मार्क किया है, और अब मैं इनको कट करूँगी, तो आप देखेंगे मैं किस तरह से इसको कट कर रही हूँ सोफ़े की बैक को। और मैं इस तरह से इसको ऊपर से कट कर रही हूँ। इस तरह से जब मैं इसको कट कर लूँगी, ये देखें, और मैं इसको कट कर रही हूँ, और अब मैंने इसको थोड़ा सा स्लाइटली नीचे से भी साइड से थोड़ा सा कर्व दिया है, ताकि थोड़ी सी शेप आ जाए। देखें, थोड़ा सा मैंने इसको कर्व दिया है, ताकि सोफ़े के पीछे से बहुत प्यारी सी शेप आ जाए। तो इस तरह से आप चाहे तो स्ट्रेट भी कर सकते हैं, राउंड भी कर सकते हैं, जो चाहे आप डिज़ाइन। अब हम इसकी ऊपर वाली शेप को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा पीछे की तरफ से फोल्ड करेंगे, ताकि थोड़ा सा वॉल्यूम सा आ जाए इसमें, थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाए, थोड़ा 3D लुक आ जाए इसकी। अब हम इस चार्ट को जो हमने सोफ़े की बैग बनाई उसके अंदर हम इसको डाल देंगे। ये देखिए, यहाँ से मेरी वीडियो थोड़ी सी ब्लर हो रही है, सॉरी फॉर दैट, एंड नाउ इट इज़ ओके। अब हमारा एक सोफ़ा रेडी हो गया है। ये हमारा सोफ़ा रेडी हो गया। अब हम एक और शीट लेते हैं, येलो शीट लेते हैं। अब हम इसका टेबल बनाते हैं, सोफ़े का टेबल। अब हमने एक और ए4 साइज शीट, कलर्ड शीट ली, और अब हम इसको भी सबसे पहले 4 साइड इक्वल करेंगे, कि हर साइड इसकी इक्वल हो। उसके लिए हम इसको किसी भी पेपर को, आपने जब उसकी 4 साइड्स इक्वल चाहिए तो आप इस तरह से उसको करें, तो उसकी इस तरह से उसको फोल्ड करके जब आप इसकी कटिंग करते हैं,
तो फिर उसकी फोर साइड जो है, मतलब चारों साइड्स जो है वो इक्वल हो जाती है। तो हमें बेसिकली चारों साइड्स एक पेपर की इक्वल चाहिए, वो चाहे ए फोर शीट साइज ले लें या जो सी भी शीट आपने या जो सा भी पेपर आपने लेना हो, उसको आप जब इस तरह से फोल्ड करेंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, तो वो चारों तरफ से एक जैसा हो जाएगा। अब हम इसी तरह से उसको फोल्ड करेंगे दोनों तरफ से। जब हम दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे तो हमें इसका एक मिड पॉइंट मिल जाएगा। अब हम मिड पॉइंट के ज़रिए इसको इसी तरह इसके फोर कॉर्नर्स को इसके मिड पॉइंट के साथ फोल्ड कर देंगे, और बड़े एहतियात से और अच्छी तरह से जब हम फोल्ड करें तो हमें फोल्डिंग बहुत अच्छी देनी है अपनी फिंगर्स के साथ या नेल्स के साथ। अब हमने इसको इस तरह से अगेन उसकी मिड पॉइंट पर रखते हुए, उसी के मिड पॉइंट पर रखते हुए हमने इसको फोल्ड करना है, और अब इसकी मिड पॉइंट पर हमने इसको ले आना है। ये बिल्कुल वही स्टेप है जो हमने इसको पहले बनाने में, सोफ़े की बनाने में किया था। ठीक हो गया, अब हमने इसी तरह से इसको भी इसकी मिड पॉइंट पे रखते हुए इसको हमने फोल्ड कर देना है। ठीक हो गया, हम अब इसको फोल्ड कर रहे हैं, इसको हमने फोल्ड कर दिया अच्छी तरह से। आपने देखना है कि आपका कोई मिस्टेक ना हो और बैलेंस हो, के दोनों चीज़ें बोथ साइड इक्वल जो है वो आपका बैलेंस हो जाए, और दिस इज़ गेट बैलेंस्ड नाउ। ओके, अब हमने फोल्डिंग अपनी बहुत अच्छी देनी है, हमने फोल्ड कर लिया। अब हम लेंगे अपनी एक और फोल्ड देंगे, जो हम इसको मिड, उसी के मिड पॉइंट पे एक और फोल्ड देंगे। ये हमारी हो जाती है सोफ़े की विड्थ, कि उसकी विड्थ कितनी है, या टेबल की विड्थ जो है वो हमने जितनी देनी होती है हम उसके अकॉर्डिंग इसको करते हैं। तो हम बेसिकली इसको फोल्ड इसके मिड पॉइंट पे ही करते हैं, ताकि हमारा टेबल या सोफ़े की बेस बैलेंस्ड हो। अब हमने इसको उठाएंगे इस तरह से, ठीक हो गया। अब हम अपनी उसकी फ्रंट साइड, ऊपर वाली साइड लेंगे। ऊपर वाली साइड के लिए आपने क्या करना है कि आपने इस तरह से इसको बंद किया, फोल्ड किया, ठीक हो गया। इसको फोल्ड करने के लिए आपने दूसरी साइड भी ली, दूसरी साइड को भी इसी तरह से आपने फोल्ड करना है। दूसरी साइड को भी आपने इसी तरह से फोल्ड किया, और फोल्ड करके अब क्या करेंगे हम लोग, ये चीज़ लेंगे जो फोल्ड की हुई चीज़ है, इसको हम उसके मिड पॉइंट से मिलाएंगे, मिड पॉइंट तक इसको फोल्ड करेंगे। ठीक हो गया, हमने इसको इसके मिड पॉइंट में फोल्ड कर दिया। इसको भी हम इसके मिड पॉइंट में फोल्ड करेंगे, जो हमने पेपर का मिड पॉइंट रखा था हम उसमें फोल्ड करेंगे, क्योंकि हम ये टेबल बना रहे हैं इसलिए हम इसको उसके पेपर के मिड पॉइंट में फोल्ड करेंगे। जब हमने सोफ़ा बनाया था तब हमने उसको एरो वाले पॉइंट में फोल्ड किया था, अब हमने टेबल बनाने के लिए इसको पेपर के मिड पॉइंट में फोल्ड किया है। अब हम इसकी दोबारा से वो जो हम लोगों ने विड्थ इसकी रखी थी, जो हमने पहले फोल्डिंग की थी, उसको हम खड़ा करेंगे, ताकि अब हमारा मेन टेबल जो है वो रेडी हो। अब हम इसकी एजेस को ये लेंगे, कॉर्नर्स को लेंगे, उनको खड़ा करेंगे, वही जो हमने मार्किंग की थी, इस तरह से इनको फोल्ड करेंगे बड़े एहतियात से, क्योंकि फोल्डिंग हमारी पहले हुई हुई है। अब हमने सिर्फ इसको इस तरह से पकड़ के इसको राउंड करना है, शेप इसको देनी है, ताकि ये राउंड हो जाए। ऊपर से अब हम इसको फोल्ड करेंगे और अंदर की तरफ को प्रेस करेंगे, और जब हम अंदर की तरफ को प्रेस करेंगे तो पेपर जो होगा वो हमारा स्टे करेगा। ठीक हो गया, इस तरह से हमारा पेपर स्टे करेगा। अब हमने दूसरी साइड को भी इसी तरह से लेना है, और बिल्कुल इसी तरह से इसकी फोल्डिंग करनी है। हम लोगों ने इस तरह से इसको पहले खड़ा कर लेते हैं, वही हमारी फोल्डिंग्स हैं, उनको बस अब हमने इस तरह से अरेंज करना है। इसको खड़ा करके अब हम इसको अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे इस तरह से, और अच्छी तरह से प्रेस करेंगे, ताकि हमारा जो टेबल है वो स्टैंड हो जाए, खड़ा हो जाए, यानी कि वो खड़ा हो जाए। अब दिस इज़ आवर टेबल फॉर टुडे, हमारे सोफ़े के साथ का मैचिंग टेबल इज़ रेडी। हम इसे अच्छी तरह से फोल्ड कर सकते हैं, अंदर आप चाहें तो ग्लू भी कर सकते हैं, कि हम थोड़ी सी ग्लू कर लें, अदरवाइज़ ये ग्लू के बगैर भी स्टे करेगा, ऊपर नहीं होगा। ये हमारा टेबल इज़ रेडी नाउ, हमारे सोफ़े के साथ का ये टेबल। मैंने एक और ऑलरेडी एक और सोफ़ा मैंने पहले ही बनाया हुआ था, इसी येलो और ब्लू के कंट्रास्ट में, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरा मैंने पहले बना के रखा हुआ था सोफ़ा, और ये हमारे सोफ़ाज आर रेडी। ये बहुत अच्छी बच्चों की एक्टिविटी है, कि हम बच्चों को घर में करवाएं और हम बच्चों को बना के दें, या ख़ुद भी हमारा टाइम पास अच्छा है इसका। इसके अलावा अब हम एक और चीज़ करते हैं, कि हम टेबल के ऊपर एक छोटा सा मैट रखते हैं। पहले इसको सेंटर में टेबल के हल्का सा ग्लू कर लेते हैं, बिल्कुल स्लाइटली सा ग्लू करते हैं, और ऐसे एक पेपर लेके मैं इसके ऊपर अटैच कर देती हूँ, तो थोड़ी सी टेबल की भी फिनिशिंग आ जाएगी। सो दिस इज़ माय
सोफ़ा सेट फॉर टुडे सोफ़ाज एंड अ टेबल। और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और मेरी वीडियोज़ नेक्स्ट के लिए देखें।